नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं अपर्णा यादव से। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अपर्णा यादव को राजनीति के अलावा कई और चीजों का शौक भी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अपर्णा यादव ने शुरुआत से ही किस तरह से राजनीति की तरफ अपना रुझान रखा और अन्य क्षेत्र में भी अपर्णा का रुझान रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अपर्णा यादव का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनके पिता का नाम अरविंद सिंह बिष्ट है, जो एक पत्रकार रहे हैं। अपर्णा यादव की मां अंबी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी हैं। अपर्णा यादव ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर की डिग्री ली है। अपर्णा यादव प्रतीक यादव को स्कूल के दिनों से ही जानती थी। अपर्णा यादव की स्कूली शिक्षा लखनऊ के लैरोटो कॉन्वेंट से हुई। अपर्णा और प्रतीक की सगाई 2010 में हुई और दोनों का विवाह दिसंबर 2011 में हुआ। ये देखा जा रहा है कि अपर्णा और प्रतीक की अगर बात करें तो उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वहीं दोनों का विवाह मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में हुआ। माना जा रहा है कि दोनों के बीच जो स्थिति रही है वो बहुत सही रही। सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रतीक और अपर्णा यादव की एक बेटी है जिसका नाम प्रथमा है। अपर्णा यादव की रुचि राजनीति, सामाजिक कार्यों के अलावा संगीत में भी है। अपर्णा यादव ने कई सालों तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। वह अपना संगठन भी चलाती हैं जो महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं। परिवार के अंदरूनी समीकरणों में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ अपर्णा और उनके पति प्रतीक यादव के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं माने जाते। कई मौके ऐसे आए जब इनका जो दोनों का अंदाज है वो बहुत अलग नज़र आया और कई बार तो दोनों एक साथ मंच पर आने से भी कतराते नज़र आए। देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि अपर्णा यादव राजनीति के अलावा कई और चीज़ों का भी शौक रखती हैं। दरअसल अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने के बाद ये माना जा रहा है कि अपर्णा की वजह से यादव वोट बैंक टूटता नजर आएगा और अगर यादव वोट बैंक टूटता है तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव को यूपी चुनाव में झटका भी लगेगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को लेकर ज़्यादा कुछ बयान नहीं दिया है। जब पत्रकारों ने अखिलेश से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं हैं, अपर्णा यादव जहाँ भी रहें और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो भी शुभकामनाएं, और पार्टी उन्हें आगे कोई जिम्मेदारी देगी तो भी शुभकामनाएं। यानी कि देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी से काम लेते हुए अपर्णा को लेकर बात कही, लेकिन अब देखना ये होगा कि बीजेपी में अपर्णा को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।